हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों का वेलकम ये मोमोज से कर रही हूँ, जो कि चिकन मोमोज बिल्कुल भी नहीं है, पनीर मोमोज है। मुझे चिकन मोमोज नहीं पसंद है, तो ये मेरे लिए फ्राई वाला जो है मोमोज है, और निशु के लिए स्टीम वाला है, और मेरे हस्बैंड जो है ग्रेवी वाला पसंद करते हैं। तो तीनों के चॉइस से तीन तरह के जो है मोमोज आए थे, और ये इवनिंग का जो है वीडियो है, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बाहर से ये जो ऑफिस से आते समय लेकर आए थे। और मैं जो है स्पाइसी चटनी इसकी तो बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ, तो मैं जो है मेयोनी के साथ खा रही हूँ। और निशु जो है स्टीम वाला खा रहा, तो देख पा रहे होगे ये पनीर है, चिकन नहीं है। मुझे जो है चिकन मोमोज में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ने जो है अपने लिए ग्रेवी वाला मंगाया है। तो चलिए दिखाती हूँ उनका कैसा है मोमोज। ये यहाँ का बहुत ही फेमस और टेस्टी मोमोज होता है, ये जो मेरे हस्बैंड लाते हैं अपने लिए, ये ग्रेवी वाला तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है गाइस। मतलब इवनिंग में तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है, जल्दी मिलता भी नहीं है, और थोड़ा सा भी अगर लेट हो जाओ तो ख़त्म हो जाता है, इनफैक्ट मिलता ही नहीं है ये वाला मोमोज़। तो चलिए हम कर रहे हैं एंजॉय मोमोज़ का, और आप लोग भी देख के एंजॉय करिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, तो आपको मेरा भी हैंड दिख रहा है, तो वेलकम, गुड इवनिंग। अभी ये मेरे लिविंग रूम का कुछ ये हाल है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करी है, और अभी भी मुझे बहुत तेज की जो है फीवर चल रहा है, बुखार चढ़ रहा है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अपना मनी प्लांट। तो देखो कैसे मैंने अपना मनी प्लांट लगाया है। ये मेरा एक पाउच था, और ये पाउच मेरा ख़राब हो गया, तो देखो कितना खूबसूरत सा एक मनी प्लांट मैंने बोतल जो है ना कलर करके, वाइट कलर करके, यहाँ पे ऊपर वाइट। तो ये देखो कितना अच्छा सा, मतलब एक छोटी सी डंडी लगाई थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा मनी प्लांट जो है ना आ रहा है। और जब मनी प्लांट मेरा ग्रो करता है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सिर्फ मैंने ये डंडी लगाई, तो मैंने सिर्फ ये डंडी लगाई थी, तो आप विश्वास नहीं करोगे, तो ये डंडी आई, उसके बाद ये छोटे छोटे, और अभी भी मैं आपको दिखा दूँ इसमें, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, तो ये मुझे बताना, ये आइडिया मैंने जो है सोचा कि अच्छा लगेगा, तो ये बोतल मेरा इस तरीके से दिख रहा है। आप लोगों के पास भी इस तरीके का कोई पाउचेस है ना, तो कांच के बोतल डाल के इस तरीके से प्लांट वगैरह लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब मैं सेकंड DIY दिखाती हूँ, जो कि मेरा ऑर्गेनाइज़र है, और मैंने दो दिन से मेहनत करने के बावजूद भी अभी भी रिजल्ट जो है 50% से कम है। ये है मेरा सेकंड DIY, आपको अच्छे से दिखा दूँ, जो कि एक अंडे का ट्रे है जिसे मैंने ब्लैक कलर से कलर किया है, और उसके बाद मैंने इस पर सितारे लगाए हैं जो कि प्लास्टिक मिरर होते हैं। और देखो कितने क्यूट तरीके से मेरे जितने भी न्यू वाले लिपस्टिक शेड थे ना, उनको मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो अगर आप लोगों को लिपस्टिक का स्टैंड चाहिए ना, तो ये आइडिया आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। तो देखो मैंने एक अंडे के ट्रे से जो है ना कितना खूबसूरत लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे यूज़फुल वीडियो बनाती हूँ, तो देखो ये आइडिया शायद आपके दिमाग में पहले कभी भी नहीं आया होगा। अंडे के ट्रे से जो है वॉल डेकोर आपने देखा होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र शेयर कर रहा है वो हूँ मैं। और सेकंड है ये मेरा एक पानी का बोतल, जिसको इस तरीके से पेंट करके अपनी सारी कॉम, जितने भी कॉम्स हैं ना, और मैं यहाँ पे ये वाला कॉम्स यूज़ करती हूँ। ये मेरे कॉम्स अलग हैं, और इसमें निशु के कॉम अलग हैं, इनके कॉम अलग है छोटे बाल के लिए,
तो ये सबके अलग अलग कॉम है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा फेस वॉश है, और ये है लिपबॉम, और ये है मेरा आई लेंस वाटर और एक पाउडर, और ये मेरे हस्बैंड का फेस वॉश, और ये है मेरे हस्बैंड का फेस वॉश। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये ऑर्गेनाइज़र आप लोगों को कैसा लगा अंडे के ट्रे का। उसके बाद आते हैं थर्ड ऑर्गेनाइज़र, और सारी चीज़ों का ऑर्गेनाइज में कर दिया है मैंने। और देखो एक बेस्ट आपको आइडिया शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जो हमारे कुकीज़ आते हैं, कुकीज़ यानी कि बिस्किट, उसको मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी बिंदियाँ गिरना शुरू हो गए। तो ये है मेरे कुकीज़ का डब्बा, और जिसमें मैंने अपने रेगुलर के सारे बिंदी के जो पाउचेज हैं ना, उनको यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है। आपको अच्छे से दिखा दूँ, ये मेरे सारे जो है शिल्पा की बिंदियाँ हैं, अलग अलग साइज़ के, सब साइजेज अलग हैं, छोटे बड़े सारे हैं। और ये एक स्पार्कल वाले हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, ये साड़ी वाड़ी के लिए है, ये सूट वूट के लिए है, और ये एक सर्कल वाला है बाकी यहाँ पे इस तरीके से। और ये मेरे स्टिकर हैं, कभी मुझे मैं इनको यूज़ करती हूँ मेहंदी की जगह पे। और एक मेरा ये वाला सेम बिंदी का पत्ता और है, एक इस टाइप का है। तो देखा आपने जो है बिस्किट का जो बॉक्स, इसमें मेरा कुकीज़ आया हुआ था, तो उसको मैंने किस तरीके से यूज़ में लिया है। तो गाइज़ ये थर्ड वाला आइडिया जो है ना आप लोगों के लिए बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये देखिए जो मेरे रेगुलर के बिंदी थे ना, उनको मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज़ में लिया है। और ये आइडिया बताना मुझे कैसा लगा। तो यहाँ पे मेरे सारे साइजेस के जो है ना, शिल्पा की मुझे प्लेन बिंदियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मेरे पास शिल्पा की अनलिमिटेड कलेक्शन है मेरे पास। और ये तो सिर्फ मैंने रेगुलर के लिए कुछ पत्ते ही निकाले हैं, समझ लीजिए ये 20 या 30 पीस पत्ते होंगे, आई थिंक 20 हैं शायद। तो ये हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। देखो गिर रहा है बार बार। तो ये हो गया थर्ड आइडिया। इस सारी चीज़ों का ऑर्गेनाइज मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। इसमें मेरे मंगलसूत्र हैं, इसमें मेरे गले के सेट हैं, इसमें मेरे कुछ एंकलेट हैं। तो सारी चीज़ों को इस तरीके से मैंने फर्स्ट वाले ड्रॉअर में रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं सेकंड ड्रॉअर। तो सेकंड ड्रॉअर में आते हैं, यहाँ पे भी है मेरा एक बिंदी का पूरा अच्छा खासा पत्ता, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरा प्लेन बिंदी है, ये वाला अंडे के आकार वाला जो होता है इस तरीके से, इसमें दोनों तरफ है। बहुत आवाज़ आ रही है नीचे से। तो इसमें दोनों तरफ है, तो इसको मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। उसके बाद मेरा यहाँ पे कुछ पैरासोनिक का काजल है, और कुछ क्लिप्स हैं, और ये मेरा एक बैंगल्स है, और यहाँ पे मेरा कड़ा है। और यहाँ पे आते हैं मेरे सारे जो है ना हेयर एक्सेसरीज हैं इस तरीके से, ये सारे, और इनके नीचे भी है। तो ये सारे कलर सारे डिज़ाइंस के हैं और इस तरीके से। तो मैं आपको ये स्टोन वाले हैं, हैवी स्टोन वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अंदर रखा है अपने बैंगल्स के जो नए कलेक्शन है, ये प्लेन वाले हैं, नीचे भी प्लेन वाला है। तो ये सेकंड डोर भी कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं थर्ड वाला डोर, जिसमें मेरा कुछ कॉन्टेक्ट लेंस है, और मेरे फ़ोन्स के कुछ कवर्स हैं, एक्सेसरीज वगैरह हैं। इसमें मेरे कुछ क्लचर्स हैं, और ये वाले क्लचर्स मैंने इसमें दो ही निकाल के रखा है, और दो तीन रबर जो क्लचर मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ उन्हीं को इसमें रखा है। और एक मेरा हेयर पिन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने इस तरीके से। और यहाँ पे मेरे कुछ नेल्स के पाउचेज हैं जो कि एक्स्ट्रा है। ये मेरा फ़ोन कवर, ये कार्ड वगैरह है, इसमें मेरा एक पाउचेज है, मेरे ग्लासेस हैं जो कि इसका एक मिरर निकल गया है। उसके बाद गाइज ये वाला लास्ट वाला है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि एक्स्ट्रा क्लिप जो कि मैं यूज़ नहीं करती, और ये कलर वाले कॉम है जो मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं हेयर कलर। इसमें मेरे कुछ ब्रेसलेट हैं, और ये तीन कॉम जो है ना हेयर कलर के लिए हैं। और मेरे एक्सेसरीज हैं, देख सकते हैं इसमें पिंस हैं, और ये
जो है थिनर है पेपर वाले, और इस तरीके से इसमें इसमें ज़्यादातर आपको क्लचर ही मिलेंगे इस तरीके से। और ये कुछ एक्स्ट्रा आइटम है, अभी इसमें मैंने देखा नहीं है, मेरे अभी मैंने इसको चेक नहीं किया है। उसके बाद मेरा एक क्लच है, पर्स है, नया पर्स है, अभी मैंने ओपन भी नहीं किया है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पाउडर है जो कि मैं बाहर निकाल देती हूँ। और ये देखिए मेरे बिछुआ यहाँ पे है, और ये एक शिल्पा की अगेन बिंदी, और साइजेस कौन सी है मुझे नहीं पता है। और इसमें भी सारा ये इस तरीके से जो है भरा हुआ है। और ये ब्रेसलेट, ये कुछ बैलून जो लाइट वाले अमेजोन से मैंने मंगाए थे, वो हैं, कम से कम 8 पैकेट है इसमें अभी। और ये काफ़ी अच्छे मिले थे, ये 30-30 रुपीज़ के मिले थे। तो इसमें बहुत सारे ब्रेसलेट हैं इस तरीके से, ब्रेसलेट एंड क्लचर, और मेरा फेवरेट ब्लैक बिंदी जो कि मेरा फेवरेट है। शिल्पा की हर साइज़ की बिंदी मिलेगी। ये कुछ मेरे रेगुलर के क्लचर वगैरह हैं, और यहाँ पे भी कुछ स्टिकर हैं। ये हैंड मतलब हैंड में पहनने वाला ब्रेसलेट है इस तरीके से। तो चलिए, तो ये वाला टोटली मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, मैस है, इसको मैं अभी चेक करूँगी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो ये मैंने आपको पहले भी शेयर कर रखा है। तो यहाँ पे मेरे हैं 4 आईलाइनर जो कि ब्लू हेवन के हैं, और यहाँ पे 3 आईलाइनर्स हैं ये वाले, और यहाँ पे मेरे ये भी आईलाइनर है, और बाकी मेरे नेल पेंट के कलर हैं। और ये मेरा एक इत्र है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये दुबई का है, दुबई। तो इस तरीके से, और इसमें मोस्टली अभी ये सारे लोकल ब्रांड मिलेंगे। और ये वाला इवोन का है, इवोनी का है। और उसके बाद ऊपर वाले में आते हैं, तो यहाँ पे भी मेरे सारे कलर्स हैं, और थिनर है, परफ्यूम है, और हॉट लेडी इस तरीके से यू कैन सी। तो मैक के 2-3 कलर मैक के भी हैं, और कलर सेंस के भी हैं। तो ये सारे कलर जो है मेरे नेल पेंट के हैं इस तरीके से, और ये रंग बिरंगे कलर मुझे बहुत पसंद है। और इसे मैंने कार्डबोर्ड से बनाया था, शायद आपको याद होगा। तो अभी एक्स्ट्रा में है मेरे 3 इधर हैं, 4 इधर हैं। उसके बाद आते हैं इस वाले डोर में, मैंने ये मेरे मेडिसिन के कुछ पत्ते वगैरह हैं, और इसमें कुछ बैंगल्स है, और कुछ इस तरीके से बैंगल्स है। ये मेरे हेयर एक्सेसरीज हैं, और यहाँ पे मेरे कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से रखा हुआ है। सेकंड, तो यहाँ पे रख दिया है मैंने अपने सारे जितने भी फिंगर रिंग है, और एक्स्ट्रा वाले जो यहाँ पे हैं ये सारे मेरे लिपस्टिक है, ये मेरे टी शर्ट के वॉच हैं जिसका मैंने बताया था कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, 60,000 के का है ये। और यहाँ पे भी एक फिंगर रिंग है, और इसके नीचे जो है एब्रो पेंसिल का पूरा एक सेट है। और यहाँ पे इस तरीके से मेरा जितने भी आई शेडो हैं, सिमरी और कॉम्पैक्ट पाउडर हैं, ये हैं सारे। और इस तरफ मैंने रखा है अपने सारे आई शेडो के कलेक्शन जितने भी हैं। और यहाँ पे मेरे एक वाइप्स हैं, और ये एक मिरर है जो कि बहुत प्रिटी लगता है, और ये है। और यहाँ पे सारे जो है इयररिंग्स है जो कि स्टड वाले हैं, छोटे वाले। और इधर आते हैं, तो इधर मेरा एक पाउचेज है, और यहाँ पे मेरा मेकअप एक बॉक्स है जिसमें मैं अपना मेकअप का सारा प्रोडक्ट जो रेगुलर यूज़ करती हूँ उसको मैंने यहाँ पे भर के रखा हुआ है। तो ये 2 नेल पेंट इसमें रह गया है, तो उसको निकालना है मुझे। और ये 2 मैंने अप्लाई किया था, तो इसमें मेरे सारे प्रोडक्ट हैं, और NYV के हैं सारे, ये सीरम वगैरह है, और परफ्यूम भी है NY का, और सारे मेकअप प्रोडक्ट जितने भी यूज़ करती हूँ कुछ मैंने इसमें रख रखा है, मेरे लिए अच्छा होता है। इसमें मेरे कुछ आई लेंसेज हैं जो मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके से, तो इसको फ़िलहाल मैं बंद कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा टेडी बेयर, यहाँ पे सारे सिमरी हैं, और यहाँ पे मेरे कुछ ये जो है चुंदरी प्रिंट वाले बैंगल्स हैं इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ कॉम्पैक्ट, और ये ज़ुकाम के लिए होता है स्प्रे करने के लिए। और अगेन वहाँ पे कुछ नेल पेंट के कलेक्शन है, और ये ADS का पाउडर है, और ये यहाँ पे मेरे आईलाइनर, लिप लाइनर सारे कलेक्शन वहाँ पे रखे हुए हैं। और ये एक बॉक्स में एक्स्ट्रा चीज़ें है, मेरा
लेंथ सॉल्यूशन, और यहाँ पे भी बहुत सारे क्लचर हैं इस तरीके से, मेरे हेयर एक्सेसरीज हैं इस तरीके के बॉक्स में जो है मैंने रखा हुआ है, देख सकते हैं ये सारे मेरे हेयर एक्सेसरीज ही हैं। तो ये वाले कुछ ज़्यादा ही हैं, जूड़ा वाले, ये वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, ये आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा है, ये वाले भरे पड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा इयररिंग्स, और इसमें मेरे जो है टोरिंग, इसमें मेरे क्लिप, ये कल मैंने आपको रात को दिखाया था, इसमें मेरे इयररिंग्स, सारी चीज़ें रखी हुई है। तो ये वाला इस तरीके से कंप्लीट होता है। उसके बाद ये डोर में आते हैं, तो ये मेरे इयररिंग्स का डब्बा, ये मेरे ज्वेलरी का डब्बा, इस तरीके से सारे मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ये मेरा पायल, ये सारे गले के सेट, और ये टोकरी, और ये मेरे जो है स्ट्रेटिंग मशीन, ये मेरे कर्लिंग मशीन, और ये मेरे पिंस वगैरह हैं इसमें, और यहाँ पे कुछ मेरे नए कलेक्शन है जो कि हेयर एक्सेसरीज़ के हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस तरीके से ये मेरा एक कॉम है, डिज़ाइनर कॉम, ये सारे मेरे हेयर एक्सेसरीज़ हैं इस तरीके से। तो इसमें भी कुछ रबड़्स वगैरह हैं, कुछ हेयर एक्सेसरीज हैं सारे। तो इस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। उसके बाद ये वाला सेक्शन आते हैं, तो ये दो बाहर रह गए हैं, इसमें मैंने सारे इयररिंग्स अपने फिल कर दिए हैं, यहाँ पे स्टड वाले रख दिए हैं। ये मेरा जो है ब्रशेज़ है, मेकअप ब्रशेज़ जो कि काइली का है, और यहाँ पे सारे मेरे बैंगल्स हैं, ये कुछ मेरे स्टैंड में बैंग इयररिंग्स है, और वहाँ पे कुछ मेरे धागे वगैरह हैं, इस तरीके से इयररिंग्स हैं। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। ओके, उसके बाद एक लिपस्टिक का जो है ये है, और कुछ स्टड वाली इयररिंग्स है, ये पूरा मेरे बिंदी का टोकरी है, वो मेरे बैंगल्स हैं। तो फिलहाल इसको मैंने इस तरीके से सारा ऑर्गेनाइज कर दिया है। मेरा अच्छा खासा एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे मेरा एक ब्लू हेवन का काजल है, कुछ मेरे गले के नेकलेस हैं, यहाँ पे कुछ मेरे बिंदीज के पत्ते हैं, कुछ मेरे ये क्यूटी पाई से जो है बैग्स हैं। तो इसको मैं करती हूँ क्लोज़। तो क्लोज़ करते ही यहाँ पे मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है अपना सारा, जितने भी मेरे गले के सेट हैं, सारे जितने भी वैरायटी कलेक्शन जो भी कह लीजिए, हर तरह के हैं जो मुझे पसंद है पहनना। और ये वाले धागे वाले, और ये सारे सब हर तरह के हैं जितने भी आप देख सकते हैं, और इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। इसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पे भी गाइस मेरा रेगुलर जो पर्स यूज़ होता है, दो हैंड पर्स है मेरे यहाँ पे, और ये टोकरी में मेरी सारी जीन्स, लोअर, कैफ्री सब आ गया इसी में। और यहाँ पे मैंने ये बैंगल्स का स्टैंड लगा दिया, इसमें और बैंगल्स भरने बाकी हैं, तो मैं थोड़ी देर में भरूँगी। तो ये भी मेरा ऑर्गेनाइज हो गया अच्छी तरीके से, तो ये भी कम्प्लीट होता है। चलो एक क्लोज़अप फ़ोटो ले लेती हूँ। उसके बाद आते हैं, ये मेरा एक ही कबर्ड है, और तीन कबर्ड मेरे उस तरफ हैं जो कि मेरे हस्बैंड के रूम में है मेरा कबर्ड। फ़िलहाल एक टोकरी में मेरे जितने भी इनर वेयर के कलेक्शन हैं वो सारे इसमें भरे पड़े हैं, सारे मतलब हर टाइप्स के ये मेरे सारे जो है पार्टी वेयर, इनर वेयर हैं, ये सारे जो है कलेक्शन बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, और ये सारे ये सब कलेक्शन बहुत एक्सपेंसिव है गाइस। और ये वाला पीस ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ये पूरा स्टोन वर्क से चैन किया गया है, चैन, ये पूरा चैन है स्टोन वर्क का, काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। तो ये मेरे इसमें सारे अलग अलग ब्रांड भी हैं, अलग 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 है, देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मेरे टॉप्स हैं, और इसके नीचे है मेरा नाइट सूट, और यहाँ पे मेरे ब्लाउज का कलेक्शन, एंड मेरे ऑल ड्रेसेस, मेरे टॉप, और इस तरीके से फ़िलहाल मैंने जो पहनती हूँ ये मेरे कुछ नाइट वेयर हैं, कुछ उस तरफ भी हैं, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ चल के। तो ये है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने हस्बैंड के रूम में, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मेरे कुछ एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं वो मैंने इस तरीके से डोर में रखा है, इसमें दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको क्लोज़ कर दे। और यहाँ पे है मेरे सारे इंडियन वेयर, सूट, कुर्तियाँ, मतलब सारे भरे पड़े हैं, इंडियन वेयर है सारे, मतलब जितने भी टाइप्स के स्कर्ट,
हर तरह के हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, पार्टी वियर वगैरह, ये मेरा सूट है, पटियाला सूट है, तो सब इसी में, ये मेरे कुछ दुपट्टे हैं, मतलब पूरा नीचे तक भरा पड़ा है। मैं आपको कैसे दिखाऊँ, तो चलो मैं बाद में दिखाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे नीशू का है, उसके बाद और मेरे इसमें सारे कलेक्शन हैं, और कितने पीसेस ब्लाउजेज वगैरह सब भरे पड़े हैं, आई डोंट नो, कुर्तियाँ हैं, सूट है, इस तरीके में। ये मेरी कुर्ती है बहुत प्यारी सी। उसके बाद ये लास्ट वाला सेक्शन है नीचे वाला, तो इसमें भी मेरे ड्रेसेस हैं, और इस तरीके से जो पता नहीं मैं कब पहनूंगी, भगवान जाने, और कितना मैं घर में रह के पहनूँ, ये सारे मतलब मेरे कलेक्शन ही है। नाइट वेयर ये तो इसमें सारा भरा पड़ा है, और बहुत नीचे नीचे तक भरा पड़ा है, तो मैं दूर से आपको व्यू दे देती हूँ, और बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वाले में आते हैं, तो इसमें कुछ ज़रूरी पेपर हैं, और सबसे ज़्यादा जो बेल्ट भरी है वो मेरी एक फ़ोन की जो है सेल्फी स्टिक है, और कुछ पुराने फ़ोन्स हैं जो कि चलते नहीं हैं, ख़राब हैं, और इसमें मेरे कम से कम 100 या 200 पीसेस जो है मेरे बेल्ट्स हैं, वन पीस के लिए या फिर जीन्स वगैरह के लिए, हर कलर हर तरह का। और यहाँ पे मेरा एक और हेयर स्ट्रेटनर है, तो इस तरीके से है ये। उसके बाद ये मैंने अपने हस्बैंड के कब्जा किया हुआ है। उसके बाद लास्ट वन में इसमें सारे मेरे ब्लाउज के पीसेज हैं, सारे मेरे ब्लाउज की कलेक्शन है, तो इस तरीके से रखा है। गाइज मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेस, इसमें सारे मेरे सैंडल्स हैं, इसमें भी सारे मेरे सैंडल्स हैं, ये देखिए गिर भी गया है, तो इसमें सारे मेरे नए कलेक्शन हैं सैंडल के जितने भी हैं। किसी दिन मैं फुर्सत में दिखाऊंगी, तो ऐसे आप मोटा मोटा देख सकते हो, तो पूरा भरा पड़ा है, और ये देख सकते हो कितना बड़ा थैला है, और इसमें भी पूरा भरा पड़ा है। इसमें मेरे ये हर तरह के शूज़ मिलेंगे, डिज़ाइनर, पार्टी वियर, बैली, जूती सब है इसमें। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने एक स्लीपर निकाला है, ये वाला, और ये मैं कहीं पहन के गई थी, ये मेरा हील्स है, और ये मेरी एक गोल्डन बैली, और एक ये 1 2 3 4 अंदर है, और 3 बाहर है, जो कि रूम के बाहर है, घर के बाहर है। तो अभी फ़िलहाल मैंने 4 ही निकाले हैं पहनने के लिए। सो गाइस, ये मेरा मनी प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और गाइस मेरा छोटा सा मेकअप टूर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मेरा ये वाला मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, तो मैं क्या बोल रही हूँ खुद ही बोल के, तो देख सकते हैं मुझे हरे हरे, ये जो रियल प्लांट होते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं, ये घर में रियल प्लांट होने चाहिए। और ये मेरा क्यूट सा DIY। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।